सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा और मनोरंजन मसाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के ऐसे आसान सवाल पूछने वाली हूँ जिनका लोग गलत ही जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मेरे इन सवालों का जवाब बताइए और देखिए कि भाई आपका आईक्यू कितना स्मार्ट वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पाँच और नौ के बीच ऐसा कौन सा चिन्ह लगाए कि आने वाली संख्या पाँच से ज्यादा और नौ से कम होगी, तो बताओ। तो उसका जवाब है दोस्तों पॉइंट, दशमलव, 5.9 दशमलव या पॉइंट लगाने के कारण वह संख्या 5 से ज्यादा और 9 से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, दो मुर्गियां दो दिन में दो अंडे देती है, दो मुर्गियां दो दिन में दो अंडे देती है, तो बताइए 10 मुर्गियां 10 दिन में कितने अंडे देंगी। तो उसका जवाब है दोस्तों 50 अंडे, क्योंकि दो मुर्गियां दो दिन में दो अंडे देती है, तो इसका मतलब कि एक मुर्गी दो दिन में एक अंडा देती है, तो 10 दिन में वह 5 अंडे देंगी, तो 10 मुर्गियां 10 दिन में 50 अंडे देंगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक से 100 तक की गिनती लिखने में आप 9 को कितनी बार लिखोगे, तो बताइए। तो उसका जवाब है दोस्तों आप 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 9 को 20 बार लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक डॉक्टर ने आपको 3 गोलियां दी और हर आधे घंटे बाद एक गोली लेने के लिए कहा, तो बताइए आपको 3 गोली लेने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसका जवाब है दोस्तों 1 घंटा, कि पहली गोली आप अभी लोगे, दूसरी गोली आधा घंटे बाद और तीसरी गोली 1 घंटे बाद, तो आपको 1 घंटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 100 के छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो मगर नोट 10 हो, तो बताओ कैसे। तो उसका जवाब है दोस्तों 20 की 4 नोट, 5 की 3 नोट और 2 की 2 नोट और 1 की 1 नोट, तो नोट हो गए 10 और इधर हो गए आपके से हो गए 100 रुपए। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।